स्कूल से लेके कॉलेज तक के बच्चे बहुत पैसा कमा रहे हैं और वो स्टडी के साथ साथ कमा रहे हैं, और अगर आप भी कमाना चाहते हैं जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, सर हम भी कमाना चाहते हैं, प्लीज आप हमें बताइए कि कैसे होगा। और आज से शर्म करना छोड़ दो कि मैं तो पढ़ रहा हूं मैं क्यों कमाऊं, गलत बात। आपको जहां भी मौका मिल रहा है ये सीखने का कि हाउ टू सेल, आप वादा करो कि आप सीखोगे, क्योंकि बेचने की कला हर किसी के पास नहीं होती। जो बेचना जानता है वो जिंदगी में कहीं भी कामयाब हो सकता है, इसलिए ये कला सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, हाउ टू सेल, बेचा कैसे जाता है चीजों को। दोस्तों बेचने की कला सभी को आनी चाहिए। जी गाइज, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बेचने की जो कला है वो सेलिंग स्किल जो है वो सभी को आनी जरूरी है, या वो स्टूडेंट हो या वो कोई भी पर्सन हो, सभी को सेलिंग स्किल्स आनी बहुत जरूरी है। तो गाइज आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे होने वाली है, जो आप ऑनलाइन में घर बैठे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कैसे कोई प्रोडक्ट फेसबुक के माध्यम से या और भी प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से सेल कर सकते हो और कैसे पैसे जनरेट कर सकते हो ऑनलाइन में विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ी बात है गाइज, आपके अंदर अगर सेलिंग स्किल्स है, अगर आप सेल करना जानते हो, बेचना जानते हो, तो जी गाइज आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, कितनी भी पैसा आप यहां से कमा सकते हो, और ये स्किल्स आनी बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू बीएन ट्रैक चैनल में, मेरा नाम बीएन झा, लेट्स बी स्टार्टेड। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपका खुद का प्रोडक्ट हो या किसी थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट हो, आप उसे फेसबुक के माध्यम से लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, कैसे सेल आउट करेंगे और कैसे आपको पैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों यहां पर जो है आपका खुद का अगर प्रोडक्ट है तो आप उसे फेसबुक पर सेल कर सकते हो, अगर आपके पास लिस्टिंग कर सकते हो फेसबुक पर, लिस्टिंग कर सकते हो। जी गाइस आप लोगों ने सुना होगा फ्लिपकार्ट अमेज़न पे लिस्टिंग करना या किसी और ऐप पे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा जो फेसबुक पर सही लिस्टिंग क्या है, किस तरीके से आप लिस्टिंग करोगे तो आपको फेसबुक से ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, फेसबुक बहुत ही वाइड है, पूरा इंडिया का बंदा वहां पे आकर वहां पर देखता है और सभी फेसबुक को यूज करता है। ठीक है गाइस, सभी फेसबुक को यूज करते हैं तो आपके प्रोडक्ट सभी को दिखेंगे और कोई भी वो परचेज कर सकता है। अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर खुद का नहीं है तो थर्ड पार्टी का भी आप बेच सकते हो, जैसे कि लाइक हो अमेज़न प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, फ्लिपकार्ट का यूज कर सकते हो, मैसो एप्लीकेशन के प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। अगर गाइस आप देखोगे तो मैसो क्या करती है, आप लोगों को एज ए रीसेलिंग वर्क देती है, आप लोगों को प्रोडक्ट दे दिया और आप लोग बोलती है इसे सेल करो और कमीशन ले जाओ। ऐसे ही अमेज़न एफिलिएट मार्केट में आप लोग क्या करते हो, उसके प्रोडक्ट को सेल करवाते हो और उस पर आप एक अच्छी खासी कमीशन लेते हो। तो वही चीज मैं आप कहना चाहूंगा कि जो उसके प्रोडक्ट को आप कहां से करोगे ये पता होना बहुत जरूरी है। तो फेसबुक इज द बेस्ट प्लेस, और फेसबुक पर कैसे होगा ये इस वीडियो में हम जानेंगे। ऑलरेडी मैंने इस पे दो वीडियो बना रखी है जो कि पूरी डिटेल्स में बता रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आज उसको भी आप देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देख लेते हैं जो फेसबुक से हम कैसे प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। दोस्तों बैकग्राउंड में लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा, इस पे मैं सब कुछ बताने वाला हूं। तो जी गाइस आप देख सकते हो कि हम चलते हैं फेसबुक पर, फेसबुक सभी के पास है, या अपने फोन में यूज करो, स्मार्टफोन में, मोबाइल फोन में, टैब में, लैपटॉप में, पीसी में, कहीं भी आप इस काम को कर सकते हो, और फोन से तो और भी अच्छा होता है। जी गाइस जैसे कि फेसबुक आप खोलोगे तो एक ऑप्शन होता है मार्केट प्लेस का, यहां भी आपको दिख जाएगा मार्केट प्लेस, और एक यहां साइड कॉर्नर में भी होता है, फोन पे भी आपको मिल जाएगा यही चीज, मार्केट प्लेस आप ढूंढोगे तो आसपास आपके साइड में या ऊपर कहीं मार्केट प्लेस मिल जाएगा, जो कि घर जैसा बना होता है। ठीक है, आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है और इसी का उपयोग करके आपको क्या करना है, बिजनेस बढ़ाना है, मतलब ऑनलाइन में सेलिंग करना है प्रोडक्ट और अर्निंग कर लेनी है। जी गाइस बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं यहां से, बहुतों को मैंने ये आइडियाज दिया और वो काफी अच्छी खासी पैसे यहां से कमा रहे हैं, और इवन मैं भी इसका यूज करता हूं, कुछ प्रोडक्ट मेरे पास भी होते हैं तो मैं उसको जरूर सेल आउट करता हूं। ठीक है गाइस, और अर्निंग हो जाती है मेरी। अब ये आप देख सकते हो कि कितने सारे प्रोडक्ट आपको लिस्टिंग है, यहां पे आप नीचे करते जाओ तो प्रोडक्ट्स ये आते जाएंगे। ये प्रोडक्ट गाइस कहां से है, ये प्रोडक्ट यही लोग लिस्ट करते हैं। देखिए जैसे कि ये प्रोडक्ट है, क्लॉथ है, ये कपड़ा है, तो ये सब 299 में ये शर्ट बिक रही है, तो कैसे बिकेगी। ठीक है, अब इसको कोई सेल भी तो करेगा, सेल कोई कर रहा है तो कोई खरीदने वाला भी तो होगा, तभी ये डाल रहे हैं। तो जी गाइस आप लोग भी अर्निंग कर सकते हो। अब देखिए यहां पर लिस्टिंग कैसे होती है, तो लिस्टिंग करने से पहले एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जो अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न और मैसो एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो, या किसी बंदे को जानते हो जो मैन्युफैक्चरर है तो उसके प्रोडक्ट को आप यहां पे लिस्ट करके अर्निंग कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो लिस्टिंग करने के लिए बहुत ही सिंपल और सीधा है, यहां पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू लिस्टिंग, जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है, और जब इस पे क्लिक करोगे तो चूज लिस्टिंग टाइप, ये ऑप्शन खुलेगा आपके पास,
आपको किस तरह की लिस्टिंग यहाँ पे करनी है, जैसे कि आइटम फॉर सेल, व्हीकल फॉर सेल, होम फॉर सेल, रेंट या जॉब ओपनिंग, ये सारे ऑप्शन है। मतलब आप यहाँ पे गाड़ी भी बेच सकते हो, अपने घर को भी बेच सकते हो, रेंट पे लगा सकते हो चीजें, कोई जॉब ओपनिंग भी आप दे सकते हो। तो हम यहाँ पे आइटम सेल करने वाले हैं, कुछ भी आइटम हो प्रोडक्ट में, शूज हो, घड़ी हो, वॉच हो, कुछ भी हो, एनीथिंग आप यहाँ पर सेल आउट कर सकते हो। जब ये खुल जाएगा तो देखिए यहाँ पे आपको साइड कॉर्नर में आएगा फोटो, ऐड फोटो का ऑप्शन आएगा, उस पर जस्ट आपको क्लिक करना है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे डेस्कटॉप पे कुछ फोटो होंगे, मैं उसको अपलोड करके आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स डेस्कटॉप पे देखिए मेरे ये एक और ये दो देखिए फोटो है, इसको अगर मैं लिस्टिंग करूंगा तो यहाँ पे ओपन कर दूंगा, आपके फोन में भी होगा, जस्ट आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद इस फोटो को आपको अगर और भी फोटो ऐड करना है तो यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है और दोबारा कोई और फोटो लेना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये फोटो लेता हूँ और इसको भी ओपन करके इसे ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप बहुत सारे फोटो को यहाँ पे मर्ज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको नीचे ऑप्शन आएगा टाइटल का, टाइटल में आपको क्या लिखना है, जैसे प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रेस, ठीक है, तो यहाँ पे आप ड्रेस लिख सकते हो, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका टाइटल लिखना है, उसका नाम लिखना है, प्राइस यहाँ पे लिखना है, जो भी प्राइस आपको बेचना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको 299 में बेच रहा हूँ तो 299 यहाँ पे कर दूंगा पोस्ट। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी है, तो कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे जो आप किस कैटेगरी में चीजें बेच रहे हो। तो जैसे कि मैं अगर क्लॉथ बेच रहा हूँ और वो भी गर्ल्स का, तो ये देखिए वुमेन क्लॉथिंग का ये ऑप्शन है, मैं ये डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ ऑप्शन है कैटेगरी, वो आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकती हो। और उसके बाद फ्रेंड्स नीचे जाओगे तो कंडीशंस का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है जो आप नया प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, या यूज किया हुआ प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, तो ये ऑप्शन होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है यूज लाइक न्यू, यूज गुड, यूज फेयर, तो हम यहाँ पे न्यू डालेंगे क्योंकि हम न्यू ही बेचते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देखिए, डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको लिखना है फैब्रिक का नाम, क्या कपड़े का नाम, क्या फैब्रिक है, क्या साइज है, कितना प्राइस ले रहे हो, अपना व्हाट्सएप नंबर भी इवन इसमें आप डाल देना, जिससे कि आपके व्हाट्सएप पे कस्टमर डायरेक्ट संपर्क कर पाए, कैश ऑन डिलीवरी है नहीं है ये आपको कंपनी प्रोवाइड कराएगी, जो कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये बताएगी, और उस समय कैश ऑन डिलीवरी होता है, ठीक है। बस आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, फिर उसके बाद पैसा आपको सारा अमेजोन और मीशो कंपनी देगी। इसमें साइज लिखना है, इसमें आपको कलर जो भी आप लिख सकते हो, या इसे ऑप्शनल होता है, देखिए ऑप्शनल लिखा है, आप छोड़ भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और ये सब लिखने के बाद गाइज आपको SKU लिखना है, तो छोड़ दो, नहीं तो इसको भी आप छोड़ सकते हो, ये भी ऑप्शनल होता है। बस ये प्रोडक्ट टैग होता है, इसमें जरूर टैग करिए, जैसे कि अगर मैं ड्रेस बेच रहा हूं तो यहां पर मैं ड्रेस टैग करूंगा और ड्रेस करके एंटर कर दूंगा। अब यहां पर आपको टॉप लिखना है, जैसे कि टॉप करके एंटर कर दीजिए, ठीक है। आप पैंट बेच रहे हो तो यहां पर पैंट लिख के एंटर कर दीजिए। ये टैग इसलिए लगाते हैं गाइज क्योंकि अगर कोई ड्रेस लिखेगा तो हमारा आइटम उसको दिख जाएगा और वो परचेज कर लेगा, ठीक है। लोकेशंस आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी लोकेशंस है वो आप लोकेशंस डाल सकते हो, तो उस लोकेशन के जितने भी वायर होंगे वो तो कनेक्ट हो ही जाएंगे, प्लस ऑल इंडिया के लोग यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप किसी भी लोकेशन पे पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है गाइज। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो लिस्ट हो गया, यहाँ पे आ रहा है लिस्ट इन योर मोर प्लेस। तो ये लिखा आ रहा है कि आप इस पे जितने भी हमने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, यहाँ पे ग्रुप्स भी होते हैं, उन ग्रुपों में आप ये पोस्टिंग को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप पब्लिश कर सकते हो और पोस्ट कर सकते हो। अभी मैं इसको पब्लिश सिर्फ मार्केट प्लेस पे करता हूँ, तो जो मैं मार्केट प्लेस पे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे जस्ट आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना। अब ये प्रोडक्ट जो हमारा है वो मार्केट प्लेस पे क्या होगा गाइस, पब्लिश हो गया है। देखिए मार्केट प्लेस पर हमारा जो ये देखिए पब्लिश हो गया, देखिए यहाँ पे आ गया मैसेज, जो आपका जो पोस्ट है वो पब्लिश हो गया है। तो इस तरीके से आप मार्केट प्लेस का यूज करके बहुत सारे प्रोडक्ट को डेली आप जितना चाहो एक दिन में कर सकते हो। बस एक चीज है, यहाँ पर ब्रांड का अगर नाम लिखा हुआ है तो वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, तो ब्रांड का नाम को आप ब्लर कर देना और फिर वो फोटो यहाँ पे आप डाल सकते हो, यूज कर सकते हो। और गाइज पैसे कैसे मिलेंगे, तो अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन या मैशो का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो जैसे आप ऑर्डर लगाओ मैशो पे और प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, आपको मैशो वाला आपका कमीशन दे देगा, जितना भी आपका कमीशन होगा, ठीक है। ऐसे ही अमेजोन देगा, ऐसे ही फ्लिपकार्ट देगा, ठीक है। अगर आपको मैशो यूज करना नहीं आता, तो उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर देख सकते हो। Amazon affiliate market पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। और खुद की प्रोडक्ट है या किसी से लेके बेच रहे हो तो ऐसे आप बेच सकते हो, प्लस वहां पे आप Paytm, फोन पे, गूगल पे भी कस्टमर से पैसे ले सकते हो, ठीक है गाइस। और अगर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आपको देना है तो सिप रॉकेट कंपनी का आप यूज कर सकते हो, जो कि बेस्ट कंपनी है, और उससे आप कोड में
डिलीवर कर सकते हो कस्टमर को। तो फ्रेंड्स आपने देखा है कि मार्केट प्लेस का आपको यूज करना है, मैंने आज सिखाया जो फेसबुक मार्केट प्लेस का यूज करके आप प्रोडक्ट को कैसे सेल आउट कर सकते हो और कैसे एक अच्छी खासी कमीशन, एक अच्छी खासी रकम मंथली का यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी चीजें मैंने आपको समझाई है वो आपके समझ में आ गई होगी और आप सभी सेल करना सीखोगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर बेचना स्टार्ट करोगे और अर्निंग करना फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दोगे। तो गाइज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक रुपीज नहीं लग रहा आपके पॉकेट से। तो गाइज अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जितनी भी ऑनलाइन जॉब से, ऑनलाइन अर्निंग से मैंने वीडियो बना रखी है इस चैनल पे, वो आप चैनल पे भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इन डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा, आई बटन भी आपको मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।